पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल के दिशा निर्देश पर पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र में दवाई दुकान, पैथोलॉजी और क्लिनिक में जांच अभियान जारी है, जिसमें सभी दवाई दुकान, एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटरों में रोगियों के दवा जांच इलाज के लिए जा रहे राशि एवं चिकित्सकों द्वारा कंसल्टेट फीस, ऑपरेशन फीस का केस मेमो, मनी प्राप्ति रसीद नियमित रूप से जारी की जा रही है या नहीं। मेडिकल दुकानों पर दवा लेने वाले ग्राहकों को दवाई का मूल्य की पावती रसीद की जांच की गई। शनिवार को पूर्णिया पूर्व प्रखंड के महेंद्रपुर स्थित दवाई दुकान में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहनी के द्वारा विशेष जांच अभियान चलाकर जांच किया गया। इस दौरान हाफिज मेडिकल हॉल, साबिर मेडिकल हॉल, हासिब मेडिकल, हासिम मेडिकल, पुष्पा मेडिकल, जनता मेडिकल एंड सर्जिकल, अब्बासी मेडिकल हॉल में रसीद की जांच की गई। बता दें कि इस दौरान कई अन्य मेडिकल दुकानदार जांच की खबर सुनते ही अपने प्रतिष्ठान का शटर गिराकर फरार हो गए, जबकि जांच के दौरान मेडिकल दुकानदारों में हड़कंप मच गई। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि यह जांच अभियान जिला पदाधिकारी के निर्देश पर चलाया गया है, जिसमें यह देखा जाना है कि सभी मेडिकल, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर में नियमित रूप से ग्राहकों को कैश मेमो दिया जा रहा है या नहीं, इन सभी के पास ड्रग लाइसेंस है या नहीं आदि की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जो भी दुकानदार नियमित रूप से कैश मेमो का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ग्राहकों को कैश मेमो नहीं दे रहे हैं, ऐसे दुकानदार को एक मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानदार अगर अनियमितता बरतते पाए जाते हैं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि यह जांच अभियान लगातार चलती रहेगी। मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार साहनी ने कहा, जिलाधिकारी राहुल कुमार के दिशा निर्देश पर प्रखंड क्षेत्र में मेडिकल दुकानों में केस मेमो एवं रसीद की जांच की जा रही है, ताकि राजस्व की चोरी नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि कई दुकानदार रसीद एवं कैश मेमो का उपयोग नहीं कर सरकार को सीधे तौर पर राजस्व को नुकसान दे रही है। ऐसे दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अगली बार जांच के उपरांत अगर कैश मेमो नहीं मिला तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ की जांच हो रही थी सर? ये जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो सभी मेडिकल दुकानों आदि की जांच की जानी है, डॉक्टर के यहाँ भी जांच किया जाना है, रेडियोलॉजी आदि में भी जांच किया जाना है। किस चीज़ की जांच? जिसमें ग्राहक के द्वारा जो शुल्क दिया जाता है या दवा खरीदा जाता है तो उसका कैश मेमो दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में जांच की जा रही है। साथ ही दुकानदारों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जा रहा है कि आप नियमित रूप से जो दुकानदारों जो दवा आप लेते देते हैं पर्ची अनिवार्य रूप से दें, किस इलाके में आपको जो होने वाला राजस्व है उसकी हानि न हो। किस इलाके में जांच की गई? अभी महेंद्रपुर में हम लोग हैं, महेंद्रपुर का विक्रमपुर का पंचायत महेंद्रपुर। कितने दुकानों में जांच की गई? अभी फिलहाल 6 दुकानों में हम लोगों ने जांच किया है। कुछ दुकानों में जो है कि नहीं दिया गया, कुछ दुकानों में दिया गया है, सभी को समझा दिया गया है। क्या परिचय हुआ सर? अमित आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।